एवरी वन, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। सो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं लॉन्ग ब्लॉग शूट कर रही हूँ एंड आज का ब्लॉग है रिगार्डिंग जन्माष्टमी। एंड बहुत दिन से मैं ब्लॉग भी नहीं शूट कर रही थी क्योंकि थोड़ा सा मैं ट्रैवलिंग हो गया था घर पे और उसके बाद तबीयत वगैरह भी ख़राब था, बट स्टिल मैं आज बनाने वाली हूँ और हम सब कज़न्स मिल के जन्माष्टमी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे से मंडप का और सब कुछ सेटअप कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि अभी से ही प्यारा सा लग रहा है और पूरा एफर्ट डालेंगे कि अच्छे से हम लोग का हो। और मेन डेकोरेशन स्टार्ट कर रही थी तनु, बट दीदी का क्या था, मैं कि रहन दो मैं करती हूँ और तुम मुझे बताओ कैसे कैसे करना है। सो दीदी अपना स्टार्ट किया और मेरा काम था कि मैं ब्लॉगिंग करूँ क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी तो थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं कुछ करते हैं ऐसा। सो स्टार्ट किए आज, फाइनली सोचे कि आज शुभ दिन है, अच्छा है। एंड ऑलमोस्ट हम लोग का देख सकते हो सेटअप हो चुका है, बस हम लोग को अपने लड्डू गोपाल को ला के यहाँ पे डालना है और उसके बाद बहुत ही प्यारा सा सेटअप उनके लिए रेडी हो गया। और ये बलून जो है ना बार बार गिर जा रहा है क्योंकि वहाँ पे टाइल लगा हुआ है ना, तो टाइल पे जल्दी से चिपकता नहीं है डबल स्टिकर। और यहाँ पे है हमारा ढेर सारा चॉकलेट मिठाई, इसे बोलते हैं छप्पन भोग। और हम लोग ने ज़्यादा चॉकलेट्स ही डाला था क्योंकि लास्ट में हमें भी मिलता ना चॉकलेट खाने के लिए, इसके वजह से हम लोग ने चॉकलेट्स ही ज़्यादा डाला था। यहाँ पे है दो लेडीज़ हम लोग के घर की रेडी यशोदा मैया बनके, और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूजा और देखेंगे मासी मामी कैसे पूजा कर रही है लड्डू गोपाल को नहलाने से लेके कपड़ा पहनाने तक और झूला पे बैठा के पूजा कराने तक। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। मेन तो ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट होने वाला है गाइस। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए एंड देन इनको नहला के अच्छे से रेडी करके उसके बाद हम लोग करेंगे राधा रानी को, और राधा रानी को अच्छे से उन्हें भी नहला के और पूजा करके बैठाएंगे। अब हमारे लड्डू गोपाल नहा चुके हैं और इनको करेंगे क्यूट से ड्रेस में फिट और इन्हें करेंगे रेडी। उतनी देर में मासी ने लड्डू गोपाल के झूले को अच्छे से पोंछ दिया ताकि जल्दी से लड्डू गोपाल रेडी होए और उसमें मस्त बैठ के झूला झूले। नाउ अब टर्न है राधा रानी का और उन्हें कपड़े में से निकाल के और उन्हें भी करेंगे जैसे सेम टू सेम जैसे कृष्ण जी को नहलाया था हम लोग ने, वैसे ही उन्हें भी नहला के साफ़ करके और उन्हें भी अच्छे से नए कपड़े में पहना कर और उन्हें भी साथ में बैठाएंगे। लेट्स सी। और ये है आयुषी जो कि राधा रानी बनी हुई है और ये बैठा रही है कृष्ण जी को, उनका बाल छूट गया था लगाना तो वो उन्हें बाल पहना रही है। देन उसके ऊपर होगा मुकुट और इनका मोर का पंख और बांसुरी। राधा रानी को नहलाने टाइम प्रॉपर नहीं लेना चाहिए वीडियो, इसलिए मैं ज़्यादा उनका क्लिप नहीं ली हूँ और मैं स्टार्ट की हूँ कपड़ा पहनाने से। कितना प्यारा सा क्यूट सा इनका हेयर है और ऊपर में क्लिप भी लगी हुई है, बहुत ही बड़े बड़े बाल भी हैं, बहुत ही क्यूट लग रही है। और ये है इनका छोटा सा टोकरी जिसमें वो बैठती है, उनका छोटा सा घर है ये। और जैसे कृष्ण जी के लिए झूला है वैसे उनके लिए छोटा सा टोकरी जिसमें वो रेस्ट करती है, सोती है, खाती है, रहती है। अब स्टार्ट करते हैं उनका भजन कीर्तन। भजन कीर्तन से पहले ये लोग ले रहे हैं फ़ोटो क्योंकि अगर भगवान जी बैठ गए अपने आसन पे तो वहाँ से वो उठ नहीं सकते और इन लोग ये लोग फोटो नहीं ले सकते और इन लोगों को बिना फ़ोटो का काम नहीं चलेगा क्योंकि इनका फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अधूरा रह जाएगा और इन लोग को हो जाएगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्योंकि
अगर इन लोग का नहीं हुआ फोटोशूट तो समझो पूजा अधूरा है। सो नाउ हम लोग अब कट करेंगे केक, बट पहले इसे निकाल लेते हैं, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये देखो कितना क्यूट केक है, एकदम उनकी की तरह। और इसमें लिखा हुआ है कान्हा जी, और उन्हीं के मटके के थीम पे ये केक आया है। और यहाँ स्टार्ट हो रहा है हमारा आरती कीर्तन भजन, और इसके बाद करेंगे हम लोग सब कोई मिल के केक कटिंग। और कुछ ही लोग रेडी हुए थे क्योंकि बहुत ही रात में पूजा होता है ना, तो थोड़ा हो जाता है आलस की क्या करे रेडी हो या नहीं, पूरा दिन कर रहे थे तो सब कोई रेडी होते, बट कोई नहीं, हम लोग आके इंजॉय करते हैं। चलो हमारा तो पूजा हुआ खत्म, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी जन्माष्टमी, लव यू ऑल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, गुड बाय।